असमलकम एम डी के स्टूडेंट्स वेलकम टू येट अदर सीरीज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमार को क्या हुआ है ग्लासेस लगा के क्यों बैठे हुए हैं यकीन माने स्टाइल के लिए नहीं लगाए हुए मेरे आँख में एक इन्फेक्शन हो गया एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो तो इस वजह से मैंने ग्लासेज लगाई हुई हैं बिकॉज जिस स्टूडियो के अंदर मैं बैठा हुआ यहाँ पर लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो अपने प्रोडक्शन के लिए uh, और क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एम डी के के एग्ज़ाम्स जो हैं वो करीब हैं तो आई जस्ट डि नॉट वॉन्ट टू वेट एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोगों को टाइम पे चीज़ें मिल जाएँ तो इस वजह से uh, ये अपनी वीडियो इस टाइम पर रिकॉर्ड मैं करूँ डिस्पाइट uh, कि अभी आँख जो है वो थोड़ी सी डैमेज है आप दुआ कीजिएगा इन शाला जल्दी ठीक हो जाएगी uh, चलते हैं जी आज हम क्या पढ़ने लगे हैं इसके बारे में बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग ओवरऑल हम कर रहे हैं उसके अंदर एक टॉपिक आता है लॉजिकल प्रॉब्लम्स का लॉजिकल प्रॉब्लम इज समथिंग जिसको हमने पहले टच अपॉन किया हुआ है अगर आप बिल्कुल स्टार्ट वाली सीरीज़ में जाएं तो वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी बातें की हुई हैं ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो लॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आता है आज मैंने जो प्लान किया था डिस्कस करना वो मैंने किया था कोर्स ऑफ एक्शन लेकिन कोर्स ऑफ एक्शन करने से पहले मुझे थोड़ा सा ख्याल आया कि लॉजिकल uh, प्रॉब्लम कर लेते हैं और लॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर एक टॉपिक होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का एक स्टेटमेंट दी हुई होती है और एक कंक्लूजन दिया होता है बल्कि तीन चार कंक्लूजन होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताएं जी स्टेटमेंट ये है तो कंक्लूजन वन टू या थ्री इनमें से कौन सा वाला कंक्लूजन जो है वो आपका ठीक होगा तो आ, ये अलबत्तः हम लोगों ने स्टार्ट में किया लेकिन मैं फिर भी चाह रहा था कि एम डी के आर्ट के रू से हम लोग जो हैं थोड़े से और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें आ, और, आ, और जो लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल प्रॉब्लम है और जिसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या स्टेटमेंट एंड एज्शन आता है वो और क्या कहते हैं आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये दोनों ऑलमोस्ट एक तरह की ही हैं सेम रूल्स और सेम लॉजिक इस पर अप्लाई होती है और सबसे मजे की बात है कि आज तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं लॉजिकल डिडक्शन ये वो आगे पीछे उन सब को जो है आप अगर उसका निचोड़ अगर निकालना है तो आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्लैश लॉजिकल प्रॉब्लम या फिर कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर निकलते हैं तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और आगे अगले वाली में मैं uh, कोशिश करूँगा uh, कि स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया उसका कोर्स ऑफ एक्शन को कंप्लीट करेंगे और कोर्स ऑफ एक्शन को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद यू आर फ्री टू गो ऑल राइट गुड गड चले स्टार्ट करते हैं जी लॉजिकल प्रॉब्लम करने से पहले एज़ ऑलवेज द वे आई रिक्वेस्ट कि यार एम आर डॉट एल वी डॉट यूब एंड नीर पी डॉट ऑफिशियल पर जाकर जरूर हमें फॉलो करें एम डी कैट सर पर आ रहा है uh, हमारा ताल्लुक शायद इस कोर्स के बाद इतना ना रहे लेकिन ये इंस्टाग्राम इज अ वे जिसके थ्रू आप और हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे और कुछ हम आपसे सीखेंगे और कुछ आप शायद हमसे सीख लें हमारी कोशिश होगी अच्छा जी तो स्टार्ट कर देंगे लॉजिकल प्रॉब्लम लॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर जिस चीज़ को आज मैं हाथ लगाने जा रहा हूँ वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या चीज़ है ये देखें जी आपके सामने एक स्टेटमेंट है और आपके सामने एक कंक्लूजन है ठीक है डायरेक्ट काम की बात पर मैं आ रहा हूँ ज़्यादा जो है मैं यहाँ वहाँ अभी जो है इसकी डिटेल इसकी डेफिनेशन वगैरह पे फिलहाल मैं नहीं जा रहा आपको एग्जामिनर जो है वो हो सकता है एक स्टेटमेंट दे और मल्टीपल जो है कंक्लूजन दें फिलहाल हम जो है बेबी स्टेप्स लेते हैं आस्ता देखते हैं किस तरह की स्टेटमेंट आती है किस तरह कंक्लूजन होता है और उसके बाद हम आस पास अपना लेवल बढ़ाएंगे ठीक है अच्छा जी सबसे पहले देखें जी क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट टीचर्स कोल्डेड मुर्तजा इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स टीचर ने जो है मुर्सा को सारे स्टूडेंट्स के सामने डांटा ठीक है और कंक्लूजन में लिखा हुआ है द टीचर डिसलाइक मुर्तजा तो आपने ये बताना है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या ये कंक्लूजन सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा सीधी सा सीधा सा क्वेश्चन है ठीक है अब यहाँ पर आप हो सकता है बोलें कि यार बिल्कुल जी आ, टीचर ने अगर मुर्सा को डांटा है तो हो सकता है इसकी वजह यही हो कि टीचर जो है वो मुर्सा को पसंद नहीं करती लेकिन आप में से जो लोग लॉजिकल हैं जो लोग तेज़ हैं जो अभी तक मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप ये कहेंगे कि नहीं ये चीज़ जो है फॉलो नहीं होती इससे ठीक है टीचर ने मुर्सा को हो सकता है इसलिए डांटो क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया या हो सकता है उसने इसलिए डांटा हो कि वो मुर्सा को बहुत पसंद करती है बहुत फेवरेट स्टूडेंट है उनका लेकिन उसके बावजूद मुर्सा जो है वो लापरवाही कर रहा है आजकल वो पढ़ाई नहीं कर रहा इसलिए उसको डांट पड़ी है या हो सकता है क्लास में आज वो लेट आया है इसलिए डांट पड़ी है डाट हैज़ नथिंग टू डू विद कि टीचर मुर्सा को लाइक करती है कि नहीं करती राइट इट मेक्स सेंस राइट तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन जो है ये सपोर्ट नहीं होता इस वाली स्टेटमेंट से ठीक है सीधी सी बात है अच्छा अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन एक सॉर्ट ऑफ एक एग्ज़ाम्पल हमने सॉल्व कर ली तो इस एग्जाम्पल में से हमने सीखा क्या दो तीन चीज़ें ज़रा इसमें से निकालते हैं और जो भी दो तीन चीज़ें हम निकालेंगे उनको इनशाला अगले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर अप्लाई करेंगे और आपको समझ आएगा कि हलवा जिस तरह से मैं हमेशा आपको बोलता हूँ एक दो टिप्स में आपको देखता हूँ उनको आप सारे क्वेश्चन अप्लाई करें और आपके सारे क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे अच्छा जी ये आपने क्वेश्चन कर लिया इसमें से ज़रा देखते हैं हमने क्या सीखा सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी वो हमने ये सीखी कि जो भी चीज़ स्टेटमेंट के अंदर है ठीक है ना जो गिवन स्टेटमेंट आपकी है या आप लोग अपने पास प्लीज नोट्स में बना लें गिवन स्टेटमेंट जो है उसको आपने एज्यूम करना है कि वो ट्रू है और आपने उसी के दायरे के अंदर रहकर जो स्टेटमेंट है उसी के दायरे के अंदर रहकर आपने जो है देखना है कि क्या बात लिखी हुई है और क्या बात नहीं लिखी हुई ठीक है आपने बस सिर्फ स्टेटमेंट को देखना है स्टेटमेंट को अच्छे से देखना है स्टेटमेंट रूह से देखना है कि भाई कंक्लूजन जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो ये सीखी कि आपने जो है अपनी तरफ से कोई एजम्पन नहीं बनानी ठीक है एजम्पन कोई एजम्पन नहीं बनानी अफोर्जेबल हो सकता है कि बचपन की आपका कोई वाक़ा हो जो आपको याद आ रहा हो कि आपकी टीचर जो है एक पर्टिकुलर बच्चे को बहुत डांटती थी और इसलिए डांटती थी क्योंकि आपकी टीचर जो है आपके उस क्लास वेलो को पसंद नहीं करती थी तो वो आपके मेमोरी में एक चीज़ है ठीक है तो हो सकता है कि उसको बेस बनाकर आप बोलें कि हाँ यार अगर टीचर अगर मुर्सा को डांटती है तो उसका मतलब ये कि टीचर जो है मुर्सा को पसंद नहीं करती तो नहीं यहाँ पर अपने अपनी कोई जम्पन नहीं लगानी आपने अपना कोई जनरल नॉलेज नहीं लगाना आपने अपना कोई एनिकडोट नहीं लगाना आपने अपना कोई जहन यहाँ पर नहीं लगाना बहुत मज़े की सबसे बात यह है लॉजिकल रीजन के अंदर कि आपके दिमाग की जरूरत नहीं आपकी जहानत की ज़रूरत नहीं आपकी एजम्शन की आपके नॉलेज की आपके आई क्यू की जरूरत नहीं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ें और स्टेटमेंट को पढ़कर अंदाज़ा लगाएं कि यार ये वाली चीज़ जो है इसका ये कंक्लूजन जो है इसमें से निकलता है कि नहीं निकलता बस कहाँ इतना इतना सिंपल है ठीक है इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं तो कोई जम्शन आपने निकालनी कोई जनरल आपने जो है नॉलेज आपने नहीं लगानी कोई आपने जो है आ, क्या कहते हैं फीलिंग अपनी जो है वो कोई इसके अंदर नहीं आ, आने देनी कोई आपने जो है अपना यू you नो know, कोई पास्ट एनिकडोट आपने इसके अंदर जो है वो नहीं आने देना ठीक है जी कोई आप जो है इसमें एथिक्स को ना लाएं ठीक है ठीके? आगे हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आएगा मैं किन बारे में बात करूँ ठीक है अच्छा जी तीसरी बात जी तीसरी बात है ये है जी खैर तीसरी बात वही वाली है जमशन वाली ठीक है जी वो बात मेरी ख़त्म होगी और कुछ और बातें हैं जिनको मैं कह रहा मैं आगे जाऊँगा तो आपको बता रूँगा मिसाल के तौर तो पर एडवाइस खैर चलें वो आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो फिलहाल के लिए चीज़ पर जरूरी किया है कि गिवन स्टेटमेंट में से ही चीज़ देखनी है ये चाहे आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं आप देखें पहले हम लोगों ने जब वो किया था लॉजिकल डिडक्शन तो उसमें उन्हें क्या बोला था ऑल आर हॉर्सेस अरे भाई आपको अलाउ नहीं है क्वेश्चन करना कार हॉर्सेस कैसे हो सकती है भाई नहीं जो चीज़ स्टेटमेंट में लिखी हुई है वो चीज सच है उसी के बेस के ऊपर हम आगे स्टेटमेंट्स को या कंक्लूजन को या जो भी चीज़ उसको पढ़ेंगे उसके हिसाब से अपना ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर भी ये चीज़ गिवन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें वो ट्रू है उसी के दायरे में रहना है कोई जम्शन जनरल नॉलेज फीलिंग और एथिक्स के बगैर आपने काम करना है अब अच्छा जी अब हमें जो चीज़ देखनी चाहिए यहाँ से आगे वो क्या चीज देखनी चाहिए हमें देखना चाहिए कि आगे हमारे पास जो है क्या क्या क्वेश्चन है

इट इज़ फीयर दैट पेट्रोल विल बी अ रेयर कमोडिटी इन यर फ्यूचर ठीक है जी जो भी ये कह रहा है वो सच कह रहा है सच के सवा कुछ भी नहीं कह रहा हमने स्टेटमेंट को एज्यूम करना है कि ये ट्रू है क्या कह रहे हैं जी अब हम, हमने अपना कोई दिमाग नहीं लगाना कि भाई पेट्रोलीम जो है उसके consumption से वो जो है रेयर commodity आगे जाकर बनेगा कि नहीं बनेगा बिल जो भी कह रहा है सही कह रहे विद इंक्रीज इन कंजम्पन ऑफ पेट्रोय प्रोडक्ट्स इट इज़ फीयर डर किस बात का लगता है कि जैसे जैसे पेट्रोल जहाज में भी जा रहा है गाड़ी में भी जा रहा है पेट्रोल शिप में भी जा रहा है फैक्ट्रीज में भी जा रहा है बिजली बनाने के लिए जा रहा है हर जगह पर जा रहा है तो विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनफैक्ट हमारी जो आ, हमारे अराउंड जो लेदर जैकेट बनी हुई होती है हमारे अराउंड कुछ भी जो बना हुआ है उसमें पेट्रोल किसी ना किसी तरह से इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है तो विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इट इज फ्री एट डर इस बात का है कि पेट्रोल जो है वो एक रेयर कमोडिटी बन जाएगा आगे जाकर ठीक है जी फाइन कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शुड बी यूज एफिशेंटली बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल सही बात है सही है क्यों ना बिल्कुल सही है एफिशिएंटली यूज करना चाहिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है इसके अंदर जो सीखने वाली बात है वो अल्बा ये है कि जब भी आप कंक्लूजन में अगर किसी किस्म की कोई एडवाइस अगर देखें तो इसका मतलब है कि वो जो है राइट right कंक्लूजन है ठीक है हो सकता है कि आप जो है डिसग्री करते हो किसी ना किसी वो एडवाइस के साथ आप बोलेंगे नहीं यार ये एडवाइस सही नहीं है लेकिन अगर वो एडवाइस है ठीक है और अगर वो एडवाइस अगर मेक सेंस कर रही है जस्ट ऑन द सरफेस तो बिल्कुल आप बोलेंगे एडवाइस अगर किसी भी किस्म की है तो उसको आप कहेंगे कि हाँ जी ये जो है एक सही कंक्लूजन है तो इस वाले के अंदर हमने क्या सीखा कि एडवाइस अगर हो तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक है एडवाइस हो गया या फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेटमेंट अगर एक देखते हैं और अगर हम देखते हैं कि कंक्लूजन में इफेक्ट एक लिखा हुआ है और इफेक्ट जो है वो फॉलो कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को आगे एग्जाम्पल्स में आपको बताऊँगा तो एडवाइस होगी या इफ़ेक्ट होगी तो कंक्लूजन जो है वो ऑलवेज़ ट्रू होगा ठीक है जी तो ये चीज़ हमने एक सीख ली ठीक है दूसरी चीज़ होगी हमारी अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं जी एग्ज़ाम्पल क्या है इन वन डे क्रिकेट मैच डॉक्टर अब ये देखें बहुत सिंपल है बहुत सिंपल लॉजिकल डिडक्शन ये लॉजिकल प्रॉब्लम खैर नाम तो मैटर ही नहीं करते लॉजिकल प्रॉब्लम हो लॉजिकल डिडक्शन हो हर चीज़ जो है वो लॉजिकल रीजनिंग है पास ठीक है एक तरह से तो ये भी लॉजिकल डिडक्शन ही है ना कि आपने स्टेटमेंट को करके पढ़ के डिड्यूस करना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो ठीक है और कौन सा नहीं है ठीक है जी तो स्टेटमेंट कौन सा हुआ जी इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाई अ टीम वर टू हंड्रेड ठीक है जी आउट ऑफ दि वन सिक्सटी रन वर मेड बाई द स्पिनर्स ठीक है जी बिल्कुल ठीक है दो सौ रन से आ, और एक सौ साठ रन जो है वो स्पिनर से बनाए है। बड़ी हैरान कन बात है कि नॉर्मली तो बैट्समैन बनाते होते हैं लेकिन यहाँ पर स्पिनर जो कि नॉर्मली अच्छे बॉलरस होते हैं तो उन्होंने वन सिक्सटी रन दो सौ तो में से एक सौ साठ रन जो है सिर्फ बॉलर से बनाए बड़ी बात है तो कंक्लूजन पढ़ते हैं जी स्टेटमेंट तो समझ आ गई एटी परसेंट द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स अब हो सकता है आप में से जो बच्चे मैथ में बड़े सहड़े हैं आप बोले कि वो 160 लिखा हुआ टू हंड्रेड लिखा हुआ है वन सिक्सट्टी को यहाँ पे रखा 200 को यहाँ पे रखा मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड किया सही है ज़ीरो को जीरो से काटा वन सिक्सटी डिवाइड बाई टू है टू को यहाँ से काटा यहाँ पर एट्टी सॉरी यहाँ पर आपने एटी किया तो आप कहेंगे ओ एटी परसेंट बिल्कुल ठीक है एटी परसेंट यहाँ पर है तो बिल्कुल जी कंक्लूजन वन तो ट्रू होगा नहीं ये बेवकूफ़ी नहीं मारनी ठीक है मैथ में अच्छे होने का मतलब नहीं कि ख्याल मैं आप जो है मैथ हर जगह पर डाल दें ठीक है एक सेकंड जी अच्छा तो आपने अब यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर जो है सीधी सी बात है आपने कंक्लूजन को पढ़ना है एटी परसेंट ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर अब आप बताएं कहीं पर स्टेटमेंट में ये बात लिखी हुई है कि टीम की जो आ, क्या कहते हैं क्या वर्ड होता है कंजम्पशन नहीं आ, टीम की कॉम्पोजिशन हाँ टीम की जो कॉम्पोजिशन है टीम की कॉम्पोजिशन जो है वो किस चीज़ की बनी हुई है कहीं पर यह बात नहीं लिखी हुई कि कहीं स्टेटमेंट में दिखा दें कि लिखा वो कि क्रिकेट मैच में क्या नाम जो टीम थी इसमें यह था उन्होंने बोला भाई दो सौ रन थे एक सौ साठ स्पिनर ने बनाए कहाँ नहीं ख़त्म इसके आगे कुछ ज्यूम नहीं करना कोई जनरलॉजी हमारा नहीं है ठीक है तो हम लोग नहीं कोई भी इसमें बात कर सकते तो एट्टी टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स वेल नहीं ऐसी तो कोई बात स्टेटमेंट में नहीं लिखी हुई तो कंक्लूजन कैसे निकाल सकता हूँ और टू को देखें तो ओपनिंग बैट्स बैट्समैन वर्स स्पिनर्स अब आप में से जो लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे वो कहेंगे कि हाँ एक सौ साठ रन जो है वो तभी बनाए होंगे जब ये लोग जो हैं जो स्पिनर्स हैं वो स्टार्ट स्टार्ट में आए होंगे उनके ऊपर प्रेशर बड़ा कम होगा वो बड़े खुले दिमाग से खेल रहे होंगे उनके ऊपर जो है किसी किस्म का क्योंकि नॉर्मली स्पिनर्स लास्ट में आते हैं तो वो बड़े कम दो रन बना के पाँच रन बना के दस रन बना के आउट हो जाते हैं लेकिन अगर एक रन बनाए हैं तो इसका मतलब वो स्टार्ट में आए होंगे अरे भाई नहीं आपने अपना नॉलेज घर पे रख कर आना है यहाँ पर जो चीज़ स्टेटमेंट में लिखी हुई है उसमें से चीज़ निकलेगी तो ओपनिंग बैट्समैन स्पिनर था या कोई भी था हमें स्टेटमेंट पढ़ के नहीं समझ आ रहा इसका मतलब कि ये भी गलत है तो सीधी सी बात है ऑप्शन क्या होगा अब देखें ऑप्शन में क्या क्या होते हैं यहाँ पर ठीक है जो आप वहाँ पर भी देखेंगे या चार ऑप्शन होंगे पाँच ऑप्शन होंगे और गालबन चार होंगे जहाँ से मैंने ही क्वेश्चन लिए हैं वहाँ पर पाँच ऑप्शन थे इसलिए मैंने पाँच डाल दिए तो क्या कंक्लूजन वो ऑप्शन होती हैं या तो होता है भाई सिर्फ वन फॉलो कर रहे या होता है सिर्फ टू फॉलो कर है या होता है या तो एक या तो नंबर टू फॉलो कर रहे <णत्व> फिर होता है ना तो नंबर वन फॉलो कर रहे ना तो नंबर टू फॉलो कर रहे हैं और ई होता है वन और टू दोनों फॉलो कर रहे हैं ठीक है थीके? तो जो आप पेपर अपना देख रहे होंगे उसमें हो सकता है चार ऑप्शन हों तो उनमें से हो सकता है कि ऑप्शन सी उसमें से ना हो ऑप्शन डी उसमें से ना हो लेकिन खैर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए गिवन दो ऑप्शन आपको बस देखना है सबसे पहले तो क्वेश्चन ऑप्शन देखने से पहले क्वेश्चन पढ़कर पहली जहन बना लें क्या होगा क्या नहीं होगा और उसके बाद ऑप्शन को देखकर उसमें सेलेक्ट कर लें ठीक है जी चलें जी कंक्लूजन मेरे पास जो है इनमें से दोनों भी कंक्लूजन में बैठते तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर डी नाइदर वन नॉट टू फॉलो ख़त्म बात अगला सवाल जल्दी से देखते हैं जी गवर्नमेंट हैज स्पॉइल्ड मेनी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय अप्रोचिंग ब्यूरोक्रेट्स एज डायरेक्टर ऑफ दिज इंस्टीट्यूट्स ठीक है बिल्कुल जी समझ आती है कि कभी कभी जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें आ, आ, जो अंदर के लोग हैं उनको ऊपर प्रमोट करने के बजाय क्या किया जाता है कि बाहर से लोगों को उस इंस्टीट्यूट में डाला जाता है मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर रेलवे है रेलवे के अंदर जो है आप डालते हैं शेख रशीद साहब को जो हमारे पॉलिटिशन है तो हो सकता है शेख रशीद साहब को मुझे नहीं पता वैसे ऐसी जमशन लगा रहा हूँ लेकिन हो सकता है शेख रशीद साहब को अगर रेलवे के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हो सकता है वो रेलवे को ख़राब कर दें इसी तरह से शेख रशीद साहब को अगर उठा के अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में ले जाएंगे तो और काम ख़राब हो जाएगा क्योंकि उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री का नहीं पता ठीक है तो गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं या टॉप तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ख़राब कर दिया है ब्यूरोट्स को या पोलिटिशन को लगाकर एज अ डायरेक्टर ऑफ़ दीज इंस्टूशन ठीक है जी स्टेटमेंट समझ आ गई हो सकता है सही कह रहे हो

कमनस्ट्रेट विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट मतलब कि डायरेक्टर जो है वो इस तरह का होना चाहिए जिसके पास एक्सपर्टीज़ हो किस चीज़ की जो फाइनेंशियल वर्क उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की हुई है वो एक ऐसा बंदा हो सकता है जिसको नीचे से उठाकर आप ऊपर ले लें या किसी और जगह से भी लाएँ लेकिन उसको वर्किंग पता हो उस इंस्टीट्यूट की तो बिल्कुल ठीक है जी ये बिल्कुल बात सही है तो जी वन फॉलोस नहीं टू फॉलोस नहीं आइदर वन और टू नहीं ना इधर बहुत वन एंड टू फॉलो बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ई जो है मेरा सही ऑप्शन है देखा आपने कितना ईजी है दिमाग लगाए बगैर स्टेटमेंट को देखा कंक्लूजन को देखा और आपने कर लिया ठीक है कुछ कुछ सवाल आएंगे जहाँ पर थोड़ा सा दमाग लगाना होगा मैं भी आसास्ता डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ाऊंगा आगे जाकर चलेंगे अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या है जी शाम इज़ वन ऑफ द प्रोबेबल स्टूडेंट्स फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक इन द क्लास ठीक है जी ठीक है शाम जो है वो एक बच्चा है जो एक क्लास में है और प्रॉबीबिलिटी है प्रॉबिबल ये वर्ड जरा देखें प्रॉबीबिलिटी है कि वो जो है फर्स्ट और बाय द वे खुद पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि फिर मैं जो एक्सप्लेशन देते हूँ वो ठीक बैठ भी रही है कि नहीं बैठ रही पता चले बस मेरी आप लोग सुन रहे होते हैं ख़ुद तो सॉल्विंग कर रहे होते तो ये चीज़ नहीं करनी तो ठीक है जी शाम जो है ही इज़ वन ऑफ द प्रॉब स्टूडेंट फॉर सिक्योरिंग फ़र्स्ट क्लास प्रॉबिलिटी है मतलब क्या ना क्लास में तीन चार बच्चे हैं उनमें से शाम भी एक बच्चा है जिसकी प्रॉबीबिलिटी है शायद शायद काफ़ी चांसेस हैं कि फ़र्स्ट है तो प्रॉबिबल का मतलब है मैंने एक दफ़ा पहले भी एक दफ़ा आपके साथ एक वीडियो में एक बात शेयर की थी फॉर एग्जांपल जब भी आप एक वर्ड देखेंगे को रिलेट या को रिलेशन तो इसका क्या मतलब होगा ठीक है रिव्यू ज़रूर कीजिएगा उस वीडियो को इसी तरह से एक वर्ड ये भी है प्रोबेबल तो प्रोबेबल का मतलब कि शायद वो फ़र्स्ट आ जाए ये नहीं कि क्या नाम है शाम जो है उसमें फ़र्स्ट आना ही आना है ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक है तो कंक्लूजन क्या है जी कंक्लूजन हमारे पास दो हैं शाम विल सिक्योर फर्स्ट रैंक विल अब देखें विल लिखा हुआ है यहाँ पर पॉबल है शायद और यहाँ पर है करेगा ही करेगा और दूसरा कंक्लूजन है शाम विल नॉट सिक्योर फर्स्ट रैंक ठीक है तो अब बताएं जी कंक्लूजन वन ठीक है कंक्लूजन टू ठीक है अब देखें जी कंक्लूजन वन भी ठीक नहीं है सही वो फ़र्स्ट आएगा ही आएगा और टू भी सही नहीं है कि वो फर्स्ट नहीं आएगा क्योंकि चांसेस फर्स्ट आने के हैं भी चांसेस फर्स्ट आने के नहीं भी हैं तो अब बताएं आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे वन फॉलोस नहीं टू फॉलोस नहीं वन एंड टू बोथ फॉलो नहीं ये करेंगे बोथ वन एंड टू फॉलो नहीं ये भी नहीं करेंगे इस वाले केस के अंदर होगा सी ऑप्शन आपका ठीक आइदर वन और टू फॉलो क्यों क्योंकि शाम अगर फर्स्ट आता है तो इसका मतलब है कि वो सेकेंड नहीं आया ठीक है तो मतलब ऑप्शन टू पे गलत हो जाएगा लेकिन अगर शाम फर्स्ट नहीं आता तो इसका मतलब है कि आ, और अगर शाम फर्स्ट नहीं आता ठीक है तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन आपका ठीक होगा और ये गलत होगा क्योंकि शाम ने फ़र्स्ट नहीं आया ठीक है तो आइदर वन विल फॉलो और टू विल फॉलो शाम अगर वन आया शाम विल सिक्योर फर्स्ट रैंक तो नीचे वाला कुछ नहीं होगा लेकिन शाम ने अगर फर्स्ट रैंक अगर नहीं अचीव किया तो ऊपर वाला नहीं होगा तो आइदर वन और टू विल फॉलो देखिए कितना सिंपल सा आसान सा था ठीक है जी अच्छा जी आ, काली एनको के बाहर कैसी दुनिया दिख रही है सही दिख रही है हम्म हम्म आप आंख नोटिस कर भी रहे होंगे चलें ठीक है जी सही है सीन ऑन है अच्छा जी अजीब सा पेन भी हो रहा है आंखों में बस दुआ कीजिएगा सब सही हो जाए अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं समझ समझिए जी इधर वन और टू भी कहीं कहीं पर लग सकता है इस चीज़ को ज़रा देखना है ऐसे जज्बाती होकर ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट कर देना ठीक है अगला देखते हैं जी बड़े मज़े का सवाल है ठीक है जी अगला सवाल क्या है एक एडवर्टीजमेंट लगी हुई एक जगह पर क्या लगा हुआ है जी फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑन ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अपटिल थर्टी फर्स्ट जनवरी लेट मी चेंज द कलर ऑफ़ द पेन सही है अच्छा जी ब्लू सेलेक्ट करते हैं जी ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है फिफ्टी परसेंट ऑफ़ ऑन ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टिल थर्टी फर्स्ट जनवरी ठीक है जी समझ आ गई कंक्लूजन क्या है जी आफ्टर थर्टी फर्स्ट जनवरी नो डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड अब आप बताएं जी क्या कहेंगे अब आप तो ये सोचेंगे कि हाँ जी अगर लिखा पे हुआ है स्टोर पर कि फ़िफ्टी परसेंट ऑफ़ हुआ हुआ है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे तो थर्टी फर्स्ट जनवरी के बाद कोई डिस्काउंट नहीं होगा आपके दमगे में ये वाली बात आएगी ठीक है नहीं आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए ठीक है ना क्यों क्योंकि कहीं पर भी स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि थर्टी फर्स्ट जनवरी के बाद जो है कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा ठीक है बिल्कुल हो, ऐसा हो सकता है कि दिया जाए ठीक है लेकिन आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही है नो डिस्काउंट बी प्राइवेट और थोड़ा सा लॉजिकली भी अगर इसको सोचें प्रैक्टिकली सोचें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा होता है एक वर्ड में ये भी यूज़ करना चाह रहा था कि आपने एक ऐसा कंक्लूजन लेना है जो प्रैक्टिकल हो ठीक है प्रैक्टिकली वाइबल हो ठीक है कोर्स ऑफ एक्शन जब हम पढ़े होंगे तो उसमें ज़्यादा ये वाली चीज़ काम आएगी लेकिन यहाँ पर भी देखने वाली बात है कभी भी किसी भी स्टोर का अगर एक डिस्काउंट खत्म हो जाता है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि महीने बाद दो महीने बाद कोई नया डिस्काउंट नहीं आएगा दो महीने बाद नया डिस्काउंट आ जाता है ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्टी फर्स्ट जनवरी के बाद कोई और डिस्काउंट हो सकता है तो इसलिए डिस्काउंट कैन बी प्रोवाइड तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन वन गलत हो गया वाला गलत हो गया टू को देखें जी नो सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आफ्टर थर्टी फर्स्ट ये क्या बात हुई जी ये तो बिल्कुल फजूल सी बात है ठीक है ना इलेक्ट्रॉनिक गुड क्या भाई बिजनेस क्या दुकान बंद करके जा रहे हैं थर्टी फर्स्ट जनवरी के बाद नहीं भाई दुकान बंद नहीं कर रहा आगे भी बिजनेस पोसन करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक गुड जो है वो बाद में सेल करेगा ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट खत्म तो गुड भी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता आपको पता ही है खाड़ी पे सेल लगी होती है जहाँ पर भी होती है सेल ख़त्म होती है प्रॉफिट अभी भी पड़ा हुआ होता है तो नो सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड आफ्टर बिल्कुल गलत जी क्या टाइम इस पर वेस्ट करें तो इसका आंसर क्या होगा डी नाइदर वन नोट टू फॉलोस तो डी जो है वो आपका सही ऑप्शन है कितना ईजी सा था ठीक है आगे देखते हैं जी ये वाला देखें ड्यू टू रिसेशन कंपनी एक्स हैज फायर टू हंड्रेड ऑफिट्स एम्प्लॉज में बिल्कुल ठीक है जी अब इसमें क्या देखें जी इसमें है कंपनी अच्छा जी देखें कंक्लूजन कंपनी एक्स इज़ वेल नोन फॉर फायरिंग पीपल आप बताएं जी क्या स्टेटमेंट में कहीं पर लिखा हुआ है कि कंपनी एक्स जो है वो वेल नोन है फॉर फायरिंग पीपल अरे भाई नहीं कंपनी एक्स ने फायर किए दो सौ एम्प्लॉयज़ को किस वजह से रिसेशन की वजह से मिसाल के तौर पे कोविड आया ठीक है बिजनेसेस को बड़ा नुकसान होने शुरू हो गया रिसेशन आ रहा है तो एम्प्लॉयज़ ने कंपनीज ने लोगों को थोड़ा सा ले ऑफ़ करना शुरू कर दिया है ठीक है तो उस वजह से ये चीज़ हुई है तो इसकी वजह से ये थोड़ी कि कंपनी एक्स जो है वो वेल well नोन और चलो लेट्स सपोज वेल नोन हो भी फॉर फायरिंग द पीपल भाई स्टेटमेंट में तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ अगर स्टेटमेंट में एक बात नहीं लिखी हुई तो मैं क्यों रिज्यूम करूँ ठीक है तो कंपनी एक्स इज़ वेल नोन फॉर फायरिंग पीपल गलत है ठीक है नंबर टू को देखते हैं ऑल अदर कंपैटर्स ऑफ कंपनी एक्स आर ऑल्सो एफेक्टेड बिकॉज ऑफ रिसेशन यार हो सकता है नहीं भी हो सकता ठीक है हो सकता है बाकी सारी कंपनीज जो है उनमें उनको कोई फर्क ना पड़ा हो रिसेशन से ठीक है तो ऑल अदर कम्पेयर कंपनी एक्सर इफेक्टेड बिकॉज ऑफ रिसेशन हो सकता है नहीं भी हो सकता स्टेटमेंट के अंदर क्या ऐसी कोई बात लिखी हुई है नहीं लिखी भी नहीं लिखी भी हम अपना आई क्यू अपना दिमाग अपनी नॉलेज नहीं लगाएंगे स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसके हिसाब से ऑप्शन टू भी गलत है तो अगेन हम क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है नाइदर वन नॉर टू फॉलोज बाईस मिनट की वीडियो बन कीजिए बहुत टाइम हो गया है कुछ और भी मजे के सवाल आते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उन सवाल को डिस्कस करूंगा आई होप अभी तक आपको मज़ा आ रहा होगा और आपने कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखी होगी इंशाल्लाह तो सी यू इन ए नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बाय बाय